नमस्कार, विवार्ता में आपका स्वागत है। पुणे में आतंकवादी हमले के बाद भारतीय सेना की पीओके में कार्रवाई पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। आज हम विवार्ता में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्डे। जयदीप, इस पूरी कार्रवाई को किस तरह देखते हैं? देखिए, बहुत बहुप्रतीक्षित, बहुअपेक्षित और बहुचर्चित कार्रवाई है ये। इसमें दो तीन मुख्य बातें हैं। एक तो ये है कि उड़ी का जो हमला हुआ था उसके बाद से जिस तरह का माहौल देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना था, उसके बाद ये तय हो गया था कि कोई ना कोई कार्रवाई करना जरूरी है। केवल सामरिक स्तर पर नहीं, राजनीतिक और राजनयिक स्तर पर भी जरूरी है। जिस तरह के हमले भारत लगातार झेलता रहा है, आतंकवाद का जो दंश भारत झेल रहा है, भारत की संसद जो हमारा मंदिर है लोकतंत्र का, सबसे बड़ा सबसे पवित्र, उस पर हमला हो चुका है। भारत की शान, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में ताज, जो हमारी इतनी बड़ी विरासत है, उसके ऊपर ताजमहल होटल में घुसकर हमला हुआ 26/11 का। लोकल ट्रेनों में बम विस्फोट हुए, आए दिन सड़कों में गलियों में बम फटते रहते हैं। पठानकोट का इतना बड़ा हमला हो गया। एक बड़ी बात यह हो रही थी कि यह सरकार विपक्ष में रहकर लगातार इस तरह के हमलों की कड़ी निंदा करती रही थी और यह अपेक्षा करती रही कि सरकार कठोर कार्रवाई करे और केवल बातों से जवाब न दे। अब पाला बदल चुका है, सरकार उस तरफ है। और जैसा कि हमने देखा कि पठानकोट के हमले के बाद तो फिर भी लोग सोच रहे थे कुछ होगा, जबकि वहां से टीम आई और कुछ निकाल उसका हल निकल नहीं पाया। तो फिर हमला हुआ है अभी उड़ी का। ये इतना बड़ा हमला था, इसमें 19 सैनिक हमारे शहीद हो गए। और लगातार सोशल मीडिया पर और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो बातें हुई उसको देखते हुए ये लग रहा था कि कोई ठोस जवाब इसका दिया जाएगा। राजनीतिक स्तर पर घेरेबंदी हुई, संयुक्त राष्ट्र में जो भाषण हुए हमारे अधिकारी के, विदेश सेवा के, और उसके बाद खुद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का जो भाषण हुआ, सार्क सम्मेलन से हमने अपना नाम वापस खींचा, उसके बाद दूसरे अन्य देशों का समर्थन मिला, फिर कोझिकोड में जो भाषण दिया प्रधानमंत्री ने, वो रणनीतिक स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वहां उन्होंने पाकिस्तान के आवाम से बात करके इस पूरे विमर्श को एक अलग दिशा देने की कोशिश की। एक तरह से ध्यान भटकाने की नीति भी थी कि हम तो गरीबी से लड़ना चाहते हैं। और उसके ही दो दिन के भीतर हमने ये सुना कि भारतीय सेना ने एक जबरदस्त हमला किया है, सर्जिकल स्ट्राइक, यानी कि लक्ष्य भेदी हमला, लक्ष्य को भेदा गया है। सर्जिकल स्ट्राइक इसको इसलिए कहा जाता है कि जब आप सर्जरी करते हैं तो जो अंग है जिसकी इलाज किए जाने की जरूरत है सिर्फ उसी पर काम होता है, बाकी कहीं नहीं होता, और नुकसान नहीं पहुंचाया जाता किसी भी चीज को। तो यह हमारा था कि नुकसान हमने आतंकवादियों को पहुंचाया, खुद को नुकसान नहीं होने दिया, और जिस अंग को निकालना है, आतंकवाद के जिस दंश को हमको साफ करना था, वो हमने नियंत्रण रेखा के पार जाकर उन आतंकवादी कैंपों पर हमला किया। तो यह महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ तथ्य और जरूरी है कि जो रक्षा विशेषज्ञ भी बताते हैं, सेना से पुराने जो रिटायर्ड लोग हैं वो बताते हैं कि भारत नियंत्रण रेखा को पार करके भी इस तरह की कार्रवाइयां करता रहा है। ये जो लक्ष्य भेदी हमले, ये भी नए नहीं है। इसमें नया ये है कि इनका जो पैमाना था, जो स्तर था, वो कहीं ज्यादा बड़ा था। पहले इक्का दुक्का कुछ कार्रवाई कर सैनिक लौट आते थे और उसको प्रचारित नहीं किया जाता था। इसी सरकार के समय म्यांमार में इस तरह की कार्रवाई हो चुकी, लेकिन उसका भी पैमाना छोटा था और उसको आधिकारिक स्तर पर उसकी कोई घोषणा नहीं की गई। ये पहली बार है कि इस तरह की कार्रवाई की आधिकारिक घोषणा हुई। दूसरा, इसके पीछे जो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी वो भी साफ दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री जिस तरह खुद इसकी मॉनिटरिंग करते रहे, जिस तरीके से डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, उसमें यह साफ समझ में आता है कि एक राजनीतिक विचार भी था इसके पीछे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि भारत की बन रही थी कि ये केवल बात करते हैं, कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते, उसको दूर किया जाना था। जनमानस में जो भावना बैठ गई थी कि क्या कोई भी हमें इसी तरह आकर मारकर चला जाएगा, क्या हम इसी तरह आतंकवाद को झेलते रहेंगे, क्या हमारे वीर सैनिक जिनकी जान चली गई है उसका कोई बदला नहीं लिया जाएगा। तो यह कार्रवाई बहुत सारे स्तरों पर, रणनीतिक स्तर पर, सामरिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण कार्रवाई। क्या लगता है कि इस कार्रवाई के बाद में सेना और सरकार का मनोबल बढ़ेगा? देखिए, हम निश्चित तौर पर ये बात लगातार करते आ रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई की जरूरत मनोबल के स्तर पर ही सबसे ज्यादा थी। कार्रवाइयां होती रही है, इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुई, घोषणा नहीं हुई। दूसरी लेकिन महत्वपूर्ण बात हमको ये ध्यान रखने की है कि ये जो कार्रवाई हुई है, ये केवल एक ऐसा मरहम है कि जो हमारी राष्ट्रीय भावना आहत हुई थी, हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान आहत हुआ था, उस पर कुछ मरहम लग जाएगा, कुछ देर की ठंडक पड़ेगी। लेकिन जो इलाज हम करना चाहते हैं कि हमें इस तरह के आतंकवाद को ना झेलना पड़े, पाकिस्तान सुधर जाए, तो ये सब बहुत दूर की कौड़ी है। पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं कि वो इस तरह के एक हमले से सुधरने तो दूर, बल्कि वहां की जो आतंकवादी ताकतें हैं, सेना के भीतर जो आतंकवाद फैलाने वाले लोग हैं, सेना की जो उनकी एक समानांतर सत्ता चलती है, वो और ज्यादा सिर उठाएंगे। उन लोगों के पास तो बंदर के हाथ में उस तरह की तरह इस तरह के खतरनाक हथियार हैं जिनका वो कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद हिलेरी क्लिंटन, जो विदेश मंत्री रह चुकी है अमेरिका की और अभी राष्ट्रपति पद की प्रबल दावेदार हैं, उन्होंने ये आशंका जाहिर की है कि
जो पाकिस्तान के परमाणु हथियार हैं वो आतंकवादियों के हाथ में लग सकते हैं और पाकिस्तान में सत्ता पलट भी कर सकते हैं ये आतंकवादी। तो इतनी बड़ी बारूद की ऊपर हम बैठे हुए हैं जो एक चिंगारी का इंतजार कर रही है, तो हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। यदि भी देश में एक तबका ऐसा भी है जो युद्धोन्माद की बात करता है, कैसे सहमत हैं आप? ये बहुत खतरनाक स्थिति है। मुझे लगता है कि ये जो मारो मारो और युद्ध कर लो के नारे लगाने वाले लोग हैं, ये देश का नुकसान ज्यादा कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है, ये जो लक्ष्यभेदी हमला है, ये हो जाता और इसकी इतनी चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी जरूरत इसीलिए पड़ी है कि लोगों ने ये जो युद्धोन्माद पैदा किया है वो फेसबुक पर बैठकर, ट्विटर पर बैठकर और व्हाट्सएप पर युद्ध की उद्घोषणा करना एक अलग बात है और वहां पर सीमा पर जाकर लड़ाई लड़ना अलग बात है। जैसी कि हमने बात की थी कि जो लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस तरह के नारे लगा रहे हैं, उनको सबसे पहले तो ये तथ्य समझने चाहिए कि आज की तारीख में भी हमारी सेना में 50,000 से ज्यादा ऐसे पद रिक्त हैं जिसमें अधिकारियों की और सैनिकों की जरूरत है। तो वहां पर सेना की कमी है, लोग अपने बच्चों को सेना में भर्ती नहीं कर रहे हैं और यहां पर युद्ध की उद्घोषणा कर रहे हैं। दूसरा, युद्ध जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं है। जंग कोई मसले को हल नहीं करती, जंग अपने आप में खुद एक मसला है। आप देखिए कि महाभारत में भी श्री कृष्ण ने युद्ध को अंतिम विकल्प के तौर पर चुना था, जब उन्होंने पांडवों का जो जायज हक था वो उनको नहीं मिला, आखिर में उन्होंने कहा कि आप केवल 5 गांव दे दीजिए, वो भी नहीं मिले। तो जब 5 गांव भी कोई देने को तैयार नहीं हो तो युद्ध होना तय है। तो ऐसी स्थिति आएगी। तो 62 में हम पर हमला थोपा गया, चीन ने हमला किया, युद्ध हुआ। 65 में युद्ध हुआ, 71 में भी युद्ध हुआ, वो युद्ध जरूरी था, निर्णायक युद्ध था। पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश के रूप में विघटन हुआ और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हम एक कम से कम समस्या से निजात पा पाए हैं, लेकिन उसकी जो दूसरे प्रभाव होते हैं देश पर, देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ते हैं, लोग मारे जाते हैं, उनके परिवार जिंदगी भर उस दंश को नहीं भूल पाते, वो अपने करीबी लोगों को, पिता को, बेटे को, भाई को युद्ध में खो देते हैं। युद्ध एक दरअसल में विभीषिका है और इससे तब तक बचना चाहिए जब तक ये बहुत जरूरी ना हो जाए, लेकिन कोई है जो केवल बम और बारूद की भाषा समझता है तो उसको समझाया जा सकता है। दूसरा, आपने जो युद्धोन्माद का सवाल पूछा है, इसमें मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि सारे रक्षा विशेषज्ञों से बात कर लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा को लेकर जो कॉन्फ्रेंसेज हो रही है उसमें जो बातें आ रही उनको देख लीजिए, आज कल सीधे सीधे आमने सामने के युद्धों की जरूरत कम रह गई है। जरूरत है रणनीतिक युद्धों की। जिस तरह हमने लक्ष्यभेदी हमला किया, जिस तरह हम उनको आर्थिक मोर्चे पर घेर सकते हैं, जिस तरह हम रणनीतिक मोर्चे पर घेर सकते हैं, सार्क में जो हमने उनको एक तरफ कर दिया, सिंधु नदी को लेकर जो बात हो रही कि हम उस समझौते को खारिज कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे और दबाव हैं जिनके जरिए हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य है कि पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र की मांग थी, 1947 में वो बन चुका, उसके बाद वो इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों को करके भारत को परेशान करना बंद कर दें, वो हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य युद्ध नहीं है, युद्ध तो सिर्फ इसलिए कि वो सबक सीख जाए, और अगर वो दूसरे तरीकों से सबक सीख जाता है तो ये ज्यादा बेहतर है। धन्यवाद जरीब जी। हम चर्चा कर रहे थे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारतीय सैन्य कार्रवाई की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।